मैं जब संसद में जब भी हूँ, मेरा मुख्य विषय किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, स्वदेश। अखंड भारत की कल्पना की गई थी एक विचार संगठन ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। उस भारत का निर्माण मुकाम तक पहुँच रहा है मोदी जी के नेतृत्व। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जिस प्रयास को संसद में करता रहा, आज वो मुकाम तक पहुंच रहा है जी। कि उन्होंने किसानों के समृद्धि के लिए जो काम किया है, अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया। आवारा पशु जब जिसे दूध नहीं देते, उन पशुओं को छोड़ देते हैं। लेकिन पहली सरकार हमारी है जो गोबर की खरीद कर रही है। तो रोग मुक्त समाज होगा, रोग मुक्त देश होगा, रोग मुक्त व्यक्ति होगा। शासनकर्ता प्रधानमंत्री पर भरोसा पैदा करती कि वह व्यक्ति है जो कहता है वो करता है, वो दिखता है। इसलिए 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है, और उस विचार के नेता हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह। प्रभावी तरीके से कह सकता हूं कि सांसद होने के नाते भी मैं अपना कार्य पूरा करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है, समाज सेवा जिसकी प्रमुख भावना होती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बलिया लोकसभा सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त जी। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ में इनके संघर्ष की पूरी कहानी भी आपको बताने की पुरजोर कोशिश रहेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NBC हिंदी। नमस्कार सर, जानना चाहेंगे कि आपका जो है पॉलिटिकल करियर, 1988-1989 में आप जिला अध्यक्ष थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के, और उसके बाद 89 और 92 में जिला अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी में आपने बलिया के लिए सेवा दिया। क्या कुछ मैंने बलिया के लिए मिर्जापुर पहले थे। जी जी जी, तो क्या कुछ वहाँ का सर एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे, वहाँ पर आपने जब कामकाज किया शुरुआती दिनों में। मैं मिर्जापुर जब सोनभद्र बटा नहीं था जी, तो वहाँ के युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था जी। मैं पहले मंडल अध्यक्ष भी बीजेपी का रहा हूँ जी। राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के जब प्रदेश मंत्री थे, तो उन्होंने मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया था जी। मिर्जापुर उनका कार्यक्षेत्र उस समय था जी। फिर मैं जब जिला अध्यक्ष, बीजेपी का जिला अध्यक्ष बना जी, और जिला अध्यक्ष रहते हुए मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा जी। 1991 में मैं पहली बार पार्लियामेंट मेंबर हुआ जी। स्वदेशी जागरण मंच का मैं संस्थापक सदस्य हूँ। दत्तोपंत ठेंगड़ी से मुझे शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा जी। और स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना के समय मुझे संगठन ने उसमें लगाया, और मैं राष्ट्रीय स्वदेशी जागरण मंच का संयोजक बना जी। स्वदेशी जागरण मंच के स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रमों में मैं केवल, मेरा विषय उस समय था किसान, गांव और कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जी। उसको लेकर पूरे देश भर में मैं कार्यक्रम संचालित किया जी। मैं उस समय पार्लियामेंट मेंबर हो गया था। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने मुझे पूरी तरह, कहना चाहिए कि मार्गदर्शन देकर, उन्हीं के समीप में रहकर मैंने अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। मुझे इस पर गर्व भी जी। और फिर मैं 98 में होगा लोकसभा सदस्य अबकी बार। उस समय मिर्जापुर, भदोही, ये साथ साथ में लोकसभा बनते थे जी। भदोही उस समय बनारस का हिस्सा होता था। फिर भदोही जब जिला बना जी, भदोही लोकसभा बनी, तो उस समय दो विधानसभा इलाहाबाद के, प्रयागराज के, हंडिया और प्रतापपुर भी जुट गए जी। तो भदोही से भी मैं 2014 में जीता जी। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी का आदेश हुआ, पार्टी का आदेश हुआ कि मुझे बलिया जाना है। मैं बलिया में भी चुनाव जीता जी। 4 बार मैं लोकसभा का सांसद रहा जी।
मैंने प्रयागराज से लेकर बलिया तक मेरा कार्य क्षेत्र मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज, गाजीपुर, अभी लोकसभा बलिया जो है गाजीपुर ही है, बलिया भी तो प्रयागराज से लगाए मिर्जापुर सोनभद्र होते हुए गाजीपुर बलिया बनारस, पहले सेवापुरी का इलाका जो आज सेवापुरी विधानसभा था वो भी मेरे विधान लोकसभा में होता था जी। तो पूरा एक तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में विधाता का विधान कैसा होता है कि मैंने चुनाव लड़ चुका हूँ, जीत भी चुका जी। ये पूरा संसदीय जीवन का मेरा विवरण है जी। लेकिन मैं जब संसद में जब भी हूँ मेरा मुख्य विषय किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, स्वदेशी जी। मुझे खुशी इस बात की है कि जिस आत्मनिर्भर भारत की कल्पना दत्तोपंत ठेंगड़ी ने किया था और हम लोग देश में घूम घूम कर स्वावलंबी भारत, स्वाभिमानी भारत, सबल भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का संवाद करते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति आज आत्मनिर्भर भारत बनाने के मुकाम को आगे पहुंचा रही जी। एक तरह से जो भविष्य का भारत है वह भारत लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत है, दत्तोपंत ठेंगड़ी के सपनों का भारत है जी। और जिस भारत की परिकल्पना करते हुए अखंड भारत की कल्पना की गई थी एक विचार संगठन ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, उस भारत का निर्माण मुकाम तक पहुंच रहा है मोदी जी के नेतृत्व जी। सर जानना चाहेंगे चार बार जो है आपको लोकसभा का एक्सपीरियंस रहा है, यानी नियर अबाउट 20 साल जो है आपने सदन में दिया, उन 20 सालों में सर जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों के लिए आपने काम किया है उसमें प्रमुख तौर पर कौन से वो कामकाज रहे हैं जिनके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे कि इन इन कामों को आपने प्रमुखता से प्रायोरिटी पर लेकर पूरा किया? मैं शुरू से स्वदेशी, किसान, कृषि अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य करता रहा संसद जी। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जिस प्रयास को संसद में करता रहा आज वो मुकाम तक पहुंच रहा है जी। कृषि अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हुई है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हुई है, हमारे देश की आर्थिक समृद्धि कृषि अर्थव्यवस्था पर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर जी। इसलिए कि हमारे देश में 62% लोग खेती से जुड़े हुए जी। गांव में रहने वाले लोग जो भूमिहीन हैं वो भी खेती से, पशुपालन से जुड़े हुए जी। कृषि एक केवल खेती का अनाज उत्पादन करना, सब्जी उत्पादन करना, फल उत्पादन करने तक से पशुपालन है, फिर पशुपालन से दूध उत्पादन है जी। दूध से बनी हुई चीजों का उसका बाजार है जी। ये सारी चीजें कृषि अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण दे सकता हूं कि कोरोना के महामारी में सारे उद्योग का उत्पादन बंद हो गया था लेकिन कृषि का उत्पादन 47% बढ़ गया था जी। केवल फल और सब्जी अनाज ही नहीं, उसका दूध का उत्पादन बढ़ गया था उधर। आज के दिन में जो दुनिया की मांग प्राकृतिक खेती के द्वारा पैदा किए गए उत्पादन की है उसका केंद्र भारत ही बन रहा है जी। मैं इसका बहुत दिन से कोशिश करता रहा, स्वदेशी आंदोलन में किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए मैं बहुत दिन से कोशिश करता रहा, लेकिन मैं विनम्रता से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों के समृद्धि के लिए जो काम किया है अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश से सर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में आपने काम किया है, आपसे सर जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो है एक बड़ी समस्या चल रही है कृषि की, लगातार आप खेती से संबंधित चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या है,
इसके लिए आप लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय किसान हैं उनसे जब भी संवाद होता है तो उनकी यही पीड़ा रहती है कि आवारा पशुओं का इस समय थोड़ा सा जो है बोलबाला बढ़ गया है। मैं बता रहा हूँ, देखिए समस्या केवल पशुओं की ही नहीं है जी, समस्या एक बहुत बड़ी है जो किसान उससे प्रभावित भी हैं लेकिन वो उसका समाधान निकालने का उपाय नहीं तलाश पाते। अभी मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में उस तरह का काम किया जी, भारी मात्रा में लगभग लाखों एकड़ जमीन, मैंने इस संसद में भी इस बात को उठाया है, जल जमाव से जी खेती नहीं हो पाती। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन पर सैकड़ों साल के बाद कभी जिस खेती होती नहीं थी, जल जमाव को मनरेगा के माध्यम से जो जमीन जल जमाव के कारण से खेती नहीं हो पाती थी, उस जल जमाव को ख़त्म करके उस पर रबी की खेती हुई जी। तो बहुत सी चीज़ों किसान अपने आप में प्रयोगशाला होता है। तो आज वो खेती का रकबा जब बढ़ा है, खेती का उत्पादन जब बढ़ेगा, किसानों की समृद्धि बढ़ेगी जी। आवारा पशुओं की जहाँ तक बात है, उसमें हो क्या रहा है कि आवारा पशु जब जिसे दूध नहीं देते उन पशुओं को छोड़ देते हैं, लेकिन पहली सरकार हमारी है जो गोबर की खरीद कर रही है। तो पशु पालन भी करना चाहिए कि गायों को जो दूध नहीं देती है उनके गोबर से भी हम ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं, और उस गोबर को फिर अपने प्राकृतिक खेती के खेत में उपयोग कर सकते हैं जी। गोबर के लिए पैसा भी हमारी सरकार दे रही है, गोबर उन्हीं के पास रह जाता, पैसा भी किसानों को मिलता जी। कठिनाई ये है कि अभी निचले स्तर पर किसानों को इन योजनाओं के बारे में, ब्लॉक स्तर पर, मैंने अपने क्षेत्र में तो शुरू करा दिया है, हमारे भदोही में भी शुरू हो गया था, अभी बलिया में भी शुरू हो गया, गोबर के पैसे किसानों को मिलने लगे। आप बलिया अगर जाते होंगे तो जरूर इसकी जानकारी मिली जी। तो उससे क्या होगा कि प्राकृतिक खेती के तरफ कदम बढ़ेगा, प्राकृतिक खेती के उत्पादन बढ़ेंगे, तो रोग मुक्त समाज होगा, रोग मुक्त देश होगा जी, रोग मुक्त व्यक्ति होगा, और उसके उत्पादन की बहुत बड़ी कीमत दुनिया में मांग बढ़ी है, प्राकृतिक खेती के उत्पादन की बहुत बड़ी कीमत भी मिलती है जी, ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है प्राकृतिक खेती के लिए जी। और भारत सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन भी कर रही है, प्रोत्साहन राशि भी दे रही है जी। तो किसानों की समस्या आज की नहीं है, पहले की है और बहुत पहले की है। वो किसानों की समस्या एक बार में खड़ी भी नहीं होती है जी, धीरे धीरे खड़ी होती है, धीरे धीरे समाधान भी होता है। लेकिन 6,000 रुपया सालाना किसानों के समृद्धि के लिए भारत सरकार ने देने का कार्यक्रम पिछले 3-4 सालों से चलाया है, इससे किसानों को खरीफ की खेती आषाढ़ में, रबी खेती कार्तिक में होती है जी। तो किस तरह की सहूलियत किसानों की खाद वगैरह के लिए प्राप्त हुए हैं ये समझ सकते हैं। आज तक किसी की 6 पैसे किसी सरकार ने नहीं दिया था। मैं अपनी सरकार की वकालत नहीं कर रहा हूँ जी, स्पष्ट और यथार्थ मैं कह रहा हूँ। सर जानना चाहेंगे, गुजरात चुनाव के जो नतीजे आए, प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को फिर से मिला, उत्तर प्रदेश में आपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई लगातार जो है दूसरी बार, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है, दिल्ली MCD चुनाव में थोड़ा बहुत 19-20 मामला रह गया, आप लोग यानी लगातार 3 बार जो है सत्ता पर काबिज रहे, इस बार लोगों का भरोसा उस हिसाब से नहीं मिल सका, साथ ही साथ में हिमाचल चुनाव में क्या कुछ कमियां रह गई कि कांग्रेस वहां पर सरकार बना ली गई, इन चीज़ों को लेकर सर आपसे एक छोटी सी ब्रीफिंग चाहेंगे और साथ समझना चाहेंगे कि जो ये इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं इसके आधार पर 2024 की पटकथा आप लोग किस तरह से लिखना चाहेंगे, क्या कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं 2024 को लेकर? देखिए, पहली बार इस भारत की जनता को संसदीय राजनीति में जो भरोसे का संकट था उसका समाधान निकाला है मोदी जी ने जी। उन्होंने पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको संकल्प पत्र बताया जी, कि हम ये संकल्प करते हैं
और संकल्प पत्र के आधार पर लोगों से हम समर्थन मांगते हैं और जनता उनमें भरोसा पैदा करती है, भरोसा व्यक्त करती है। पहली बार लोगों के गांव में रहने वाला किसान, गांव में रहने वाला गरीब, झोपड़ी में रहने वाला इंसान, महिलाएं किसी शासनकर्ता प्रधानमंत्री पर भरोसा पैदा करती कि वह व्यक्ति है जो कहता है वो करता है वो दिखता है। तो संसदीय राजनीति में जो भरोसे का संकट पैदा किया था अन्य पार्टियों ने, उस भरोसे के संकट को प्रधानमंत्री जी ने समाप्त किया। इसलिए 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है और उस विचार के नेता हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह। वह विचार सनातन परंपरा का विचार है जो भारत की जनता उसको स्वीकार करती है और वही विचार वसुधैव कुटुंबकम का है और उसी विचार के माध्यम से इस देश में राम राज्य की कल्पना की जा सकती है जो मुकाम तक पहुंच रही। लंबे समय से सर भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने स्ट्रगल किया है, अलग अलग चीज़ों को अगर देखा जाए, चार बार जो है आप लोकसभा के सांसद रहे हैं। जानना चाहेंगे सर, इस बार मान लीजिए 2024 में फिर से जो है बीजेपी हैट्रिक लगाती है, लगातार तीसरी बार आप लोगों को बहुमत मिलता है, जनता का भरोसा मिलता है, आप फिर से सांसद अगर चुने जाते हैं, तो आपको क्या कुछ अपेक्षाएं रहेंगी कि इस बार जो है केंद्र के मंत्रिमंडल में हमको कुछ जगह मिले? कुछ मैं निजी तौर पर कह सकता हूं जी कि संसदीय राजनीति में चुनाव लड़ना जीतना सब चाहते हैं, लेकिन सरकार में जहां तक सवाल है, सरकार में पूरी तरह जानता हूं कि ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के विवेक पर ही छोड़ देना चाहिए जी। और मैं इस बात को बहुत प्रभावी तरीके से कह सकता हूं कि सांसद होने के नाते भी मैं अपना कार्य पूरा करता हूं। मंत्रिमंडल जहां तक है, चाहना न चाहने की बात, मैं जानता हूं उसमें पूरी तरह प्रधानमंत्री के विवेक पर और के प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री का विवेक पर मंत्रिमंडल का गठन होता है। वो किसके माध्यम से क्या सलाह लेकर सुझाव लेकर करते हैं वो उनका कहना चाहिए विशेषाधिकार, संवैधानिक अधिकार। इसलिए मैं उसमें किसी तरह की न इच्छा व्यक्त करता हूँ न मैंने कोई उसमें रुचि। NBC हिंदी को सर अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ बलिया के लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपने क्षेत्र के विकास से लेकर राष्ट्र के तमाम मुद्दों पर बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।